हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है एक डीमेट अकाउंट की। तो शुरुआत में कंफ्यूज रहते हैं कि किस कंपनी में डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहिए। वैसे तो मैंने 7 कंपनियों के बारे में इस वीडियो में बता दिया है, लेकिन इसमें सिर्फ 7 ही कंपनी कवर करी थी। इसके बाद और भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि मुझे इस एप्लीकेशन के बारे में बताइए, उसके बारे में बताइए। तो अभी रिसेंटली हमें कमेंट मिला है कि मोतीलाल ओसवाल के बारे में बताइए। दोस्तों, अगर आप भी मोतीलाल ओसवाल में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो में मोतीलाल ओसवाल का कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसमें आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें 8 कंपनियों को कवर किया है, वो भी नंबर 1। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं मोतीलाल ओसवाल के बारे में। देखो, ब्रोकर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर और एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर। तो फुल सर्विस ब्रोकर है, उसमें चार्ज ज़्यादा लगते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर अभी के टाइम पे चल रहे हैं क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर में चार्ज बहुत कम लग रहे हैं। लेकिन जो डिस्काउंट ब्रोकर है ना, वो भी कंपटीशन में लगे हुए हैं कि हम अपने ग्राहकों को ये सर्विस दे रहे हैं, वो सर्विस दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी सर्विस भी फुल सर्विस ब्रोकर की तरह हो जाती है। जैसे कि कुछ डिस्काउंट ब्रोकर हैं, जीरोधा नंबर 1 पर चल रहा है, इसके बाद एंजल 1 है, अपस्टॉक है, और आपका धन एप्लीकेशन है, और भी काफ़ी सारे एप्लीकेशन है। अगर ऐसे मैं गिनूंगा तो 20-25 डिस्काउंट ब्रोकर निकल के आएंगे, ठीक है, जो कि पॉपुलर हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ब्रोकर हैं। तो मोतीलाल ओसवाल एक फुल सर्विस ब्रोकर है, इसीलिए इसमें लगने वाले चार्जेस भी ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर इसमें हम अकाउंट ओपन करने के लिए जाएं तो अकाउंट ओपन का चार्ज कितना लग रहा है। तो अकाउंट ओपन का कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके बाद एक होता है एएमसी चार्ज, तो एएमसी चार्ज भी फर्स्ट ईयर के लिए फ्री है। इसके अलावा अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में कर सकते हैं, डिलीवरी में कर सकते हैं, इंट्राडे में कर सकते हैं, करेंसी में कर सकते हैं, बॉन्ड में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड एंड आईपीओ, ठीक है, इसके अलावा मैनी मोर। तो मोतीलाल ओसवाल आपको इंडिया के साथ US मार्केट में ट्रिगल और इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आप मोतीलाल ओसवाल के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपको कुछ डॉक्यूमेंट रेडी करके रखने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट में आपके डॉक्यूमेंट आएंगे, इसके अलावा जो आपका मोबाइल नंबर है वो रेडी होना चाहिए, ईमेल आईडी रेडी होना चाहिए, और आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो आपका आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक भी होना चाहिए। इसके बाद आपका सेल्फी होना चाहिए और इसमें एक वीडियो भी लगता है, वो भी आप रेडी करके रखेंगे। सिग्नेचर रखेंगे, सिग्नेचर आपके पैन कार्ड से मैच करने चाहिए और आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। तो जिसके पास माइनर का डीमैट अकाउंट है, ठीक है, तो वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता। तो अगर आप 18 साल की हो चुके हैं तो लिंक दिया है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अपना अकाउंट ओपन कर सकती हैं। लेकिन अब मैं मोतीलाल ओसवाल में लगने वाले चार्जेस के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो चार्जेस इसमें कुछ ज़्यादा लगते हैं क्योंकि आप फुल सर्विस ब्रोकर है। तो चार्जेस जान के हो सकता है कि आप मना करने लगें कि नहीं, मुझे अपना मोतीलाल ओसवाल में अकाउंट नहीं बनाना, मैं तो किसी दूसरी कंपनी में अकाउंट ओपन कर लूँगा। तो मोतीलाल ओसवाल के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिलीवरी के अंदर आप किसी भी स्टॉक को बाई करते हैं, तो पूरे इन्वेस्टमेंट पर आपको 0.20% देना है, ठीक है। जैसे कि अगर आप 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कितना चार्ज लग रहा है। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर में करते हैं तो आपको 0.02% देना है, इंट्राडे में करते हैं तब भी आपको 0.02% देना है, और अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर लॉट आपको 20 रुपये देना है। तो अगर आप मान लीजिए कि 4 लॉट खरीदते हैं तो 20 × 4 कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं आपको 80 रुपये देने पड़ेंगे ब्रोकरेज चार्ज का। तो बाकी के ब्रोकर में अगर देखा जाए ना तो यह काफ़ी ज़्यादा है, और सारे जो ब्रोकर हैं ना तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये लेते हैं, ठीक है, पर ऑर्डर, लेकिन ये पर लॉट ले रहे हैं। तो पर ऑर्डर मतलब कि आप जितने भी लॉट खरीदिए सिर्फ 20 रुपये लगेगा, लेकिन आप यहाँ पर अगर लॉट की संख्या बढ़ाएंगे तो जो आपके ब्रोकरेज चार्ज हैं वो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे लॉट से। और हाँ, आप इस कंपनी का एहसान मानिए कि आपको 1 महीने के लिए ब्रोकरेज फ्री दे रहे हैं, लेकिन सारे सेगमेंट में नहीं, ओनली फ्यूचर एंड ऑप्शन में, वो भी 1,000 रुपये तक की ब्रोकरेज आपको फ्री मिल रही है। मतलब कि ब्रोकरेज चार्ज तो कटेगा लेकिन ये आपको बाद में रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसके अंदर अगर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो अब मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं और इसका आप एक बार यूजर इंटरफेस भी देख लीजिए। वैसे तो मैंने आपको लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लेकिन अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहें
तो आप इसको प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे मोतीलाल ओसवाल, तो आपके सामने इतना आपको सर्च करना है, तो ये रिकमेंड हो जाएगा मोतीलाल ओसवाल डीमेट एंड स्टॉक्स, ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। इसके मिलते जुलते आपको और भी एप्लीकेशन मिल जाएंगे, तो वो आपको इग्नोर करना है, आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो इसमें आपको मोबाइल नंबर, क्लाइंट आईडी या फिर ईमेल आईडी डालना है, तो ये ऑटोमेटिकली इसने ओटीपी भी ले लिया है। अब मैं इसको प्रोसीड करूँगा, तो ये हमारा काफ़ी दिन से मैंने इसको यूज नहीं किया है, तो अकाउंट हो गया है डोरमेंट। तो अब मैं इसको यूज नहीं करता हूँ, मैंने ऐसे ही बनाया था आपको बताने के लिए, पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, तो मैंने अपना ओपन कर लिया। खैर इसमें ये मैंने कल प्रोसेस कर दिया है, लेकिन 24 घंटे का टाइम लगेगा, तो अभी इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो आप इसका इंटरफेस देख सकती हैं, तो सबसे पहले इसमें आपको मिल जाता है प्रोफाइल वाला ऑप्शन। तो प्रोफाइल ऑप्शन में आपको सारी जानकारी मिलती है, अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अगर आप पर्सनल डिटेल में कुछ भी चेंज या फिर एडिट करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ओटीपी वगैरह आपको दोबारा से सबमिट करने रहेंगे। इसके अलावा आपने कौन सा ईमेल आईडी लगाया है, कौन सा मोबाइल नंबर लगाया है, तो वो जानकारी भी यहाँ पर अवेलेबल है। और जो भी चीज़ आप एडिट करना चाहें तो एडिट का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो आप ईजिली यहाँ से किसी भी चीज़ को एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप अपना एडवाइज़र फाइंड कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं कि कौन सा है, तो नो योर एडवाइज़र लिखा हुआ है, प्लस पर आप क्लिक करेंगे तो एडवाइज़र का नाम आ गया और एडवाइज़र का कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। सेगमेंट एक्टिवेशन, तो अभी इक्विटी यहाँ पर एक्टिवेट है, अगर आप और भी सेगमेंट एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक का स्टेटमेंट लगेगा 6 मंथ का, वो अपलोड करने के बाद आप एक्टिवेट डेरिवेटिव सेगमेंट पर क्लिक कर देंगे, तो आपका यहाँ से और सेगमेंट एक्टिवेट हो जाएगा जो भी आप करना चाहते हैं। फिर इसके अलावा आपको वॉलेट का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहां से फंड ऐड या फिर विड्रॉल कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं कि अभी कितना फंड अवेलेबल है। इसके बाद आपको रिसर्च का इधर ऑप्शन है, तो आप किसी भी स्टॉक को रिसर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने ये टाटा कर लिया, ठीक है, तो टाटा के काफ़ी सारे आ गए। अब कौन सा, जैसे कि इधर मैं टाटा पावर लिख देता हूँ, तो ये उसी का स्टॉक हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो हमें इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें आपको 3.2 पर मिलते हैं, तो यहाँ पर इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि आईपीओ पर जब आप क्लिक करेंगे तो अभी कौन कौन से आईपीओ ओपन हैं या फिर आने वाले कौन से हैं, तो वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपने किसी भी आईपीओ में ऑर्डर किया है तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इसमें फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, तो आप यहां से फंड ऐड या फिर विड्रॉल कर सकते हैं। रेफर एंड अर्न है, तो रेफर एंड अर्न आप देख सकती हैं कि यहां पर 200 रुपये पर रेफर मिलता है, और किसने किसको रेफ़र किया है तो उनके नाम यहां पर आएंगे, सक्सेसफुल रेफ़र आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इसके बाद इधर ऑप्शन स्टोर है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर मेरा तो सेगमेंट एक्टिवेट नहीं है, अदरवाइज़ जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए हेल्पफुल है। जैसे कि यहाँ पर निफ्टी का ये सजेस्ट करके दिया हुआ है कि आप इस स्ट्राइक प्राइस पर मतलब कि ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं या फिर ट्रेड ले सकते हैं। बैंक निफ्टी का भी ये स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पर ये पीई दिया हुआ है 19,800। तो एक्सपर्ट का मानना है कि आज मार्केट डाउन ट्रेंड में रह सकता है, तो इसीलिए इन्होंने पीई रिकमेंड किया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है मोतीलाल रिसर्च एडवाइस, तो इसमें ये रिकमेंडेड कॉल है, मतलब कि आप को ये यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया जा रहा है, तो आप अपने हिसाब से इंडेक्स में अगर आप करना चाहते हैं, कम्युनिटी में करना चाहते हैं, तो ऐसे आप सिलेक्ट करेंगे या फिर करेंसी को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर एडवाइज़र आपको क्या रिकमेंड कर रहे हैं बाई करने के लिए, तो वो आप देख सकते हैं। इसके बाद ये बास्केट का आपको ऑप्शन मिलता है, तो आप इनके बने हुए बास्केट हैं जो कि एक्सपर्ट ने बना दिए हैं, तो इसमें 4 स्टॉक हैं, मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन से हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं। तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें 3 स्टॉक ऐसे हैं जो आपके काम के हैं, और ऊपर वाला मान लीजिए DLF है, वो काम का नहीं है, वो आपके आपको अगर रिसर्च आती है तो आपके अकॉर्डिंग आप उसको नहीं लेना चाहते, आप 3 को लेना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ से खुद से एडिट नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पर 3 को लूँगा, तो आपको यहाँ पर सारा ख़रीदना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको कुछ भी नहीं ख़रीदना है। तो आप इस तरीके से
यहाँ पर ये काफ़ी सारे देख सकते हैं, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग यहाँ पर आपको बास्केट बना के दे दिए हैं। लेकिन कहने का मतलब यही है कि जो चीज़ या तो आपके पास पहले से है या फिर आपको उसको ख़रीदना नहीं चाहते, वो भी चीज़ आपको यहाँ पर लेनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर ये बास्केट की आप क्वांटिटी भी एड मतलब कि घटा या फिर बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये प्राइस भी साथ ही साथ चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितना ख़रीदना चाहें उतना आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा ये बास्केट के भी अलग अलग यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अलग अलग सजेस्ट किया जा रहा है। तो ये आपको किसी भी ब्रोकर में नहीं मिलती है, मोतीलाल ओसवाल में मिलती है। अब इसके अलावा इंडेक्स को आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये चीज़ें खैर उतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। अब इसके अलावा आप यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं, तो मैं यहाँ पर आपको ये जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप इन चीज़ों में मोतीलाल ओसवाल के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मार्केट का न्यूज़ आपको यहाँ पर मिलता है, तो आप किससे संबंधित न्यूज़ चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और बाकी की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है, तो आपने जहाँ पर भी अपना ऑर्डर प्लेस किया हुआ है या फिर आपने कोई ट्रेड लिया हुआ है तो उसकी रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर वेबिनार वगैरह इनकी अटेंड कर सकते हैं, और बाकी के वीडियो वगैरह भी इन्होंने अपलोड किए हुए हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। चैट विथ अस पर क्लिक करेंगे तो ये इनका जेनी वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो आप यहाँ पर मैसेज टाइप करेंगे तो उसका आपको जवाब मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चार्जेस के बारे में, मान लो मुझे जानना है। अब देखते हैं इनका यहाँ पर जवाब क्या रहेगा, मैंने इसमें चार्जेस टाइप करके भेज दिया है। तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर जवाब मिलेंगे, तो ये आपको पसंद भी ना आए, ठीक है, या फिर आप इनके जवाब से सहमत ना हो, तो आप इनको कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करके कस्टमर केयर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और अगर आप इसका यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये अलग अलग हैं, सपोर्ट रिलेटेड क्वेरी आपको ऊपर मिल रहा है, कॉल एंड ट्रेड मिल रहा है, अकाउंट ओपनिंग का मिल रहा है, और अगर आप इनके पार्टनर बनना चाहें तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, साथ ही मेल आईडी भी दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, और इसके बाद अगर आप इसमें एक और ऑप्शन देखना चाहें तो स्विच टू मोतीलाल ओसवाल ट्रेडर, इनका एक और एप्लीकेशन है, तो अगर आप उस पर शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप ऐसे क्लिक करेंगे तो ये आपको एप्लीकेशन रिकमेंड किया जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, तो बेसिकली ये इसका होम पेज है। इसके बाद ये पोर्टफोलियो है, तो पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर बने हुए मिलते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको इधर थ्री डॉट पर क्लिक करके ही बताया था। ट्रेड आपको यहाँ पर दिखेंगे, वॉच लिस्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकती हैं या फिर एक क्रिएट है, आप इसी में इन्वेस्ट कर सकती हैं या फिर ट्रेड ले सकती हैं। रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिखने के लिए मिलेगी, अगर आपने कोई ट्रेड लिया है तो पोजिशन में दिखेगा, और ऑर्डर्स आपको यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं। अब इसके अलावा हम होम पेज पर आते हैं, तो होम पेज पर की इंडेक्सेस मिलती हैं, मतलब कि कुछ इंडेक्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये यहाँ पर है, तो मेरे हिसाब से मान लो कि ये सही नहीं है, तो यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ। मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ही ट्रेड करता हूँ, तो निफ्टी अभी ऊपर सिलेक्ट था, ठीक है, ये बैंक निफ्टी है। इसके अलावा और इसमें क्या है तो उसको हम हटा देंगे, तो इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दिखने लगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।